देश में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपने साइबर अपराध के कई किस्से भी सुने होंगे, मगर क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक एचएस अधिकारी भी साइबर ठगी का शिकार हो सकता है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में एक रिटायर एचएस अधिकारी से 73 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन जालसाजों ने रिटायर अधिकारी को अपने ही घर में कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। अब आपको बताते हैं कि शातिरों ने कैसे सीबीआई अफसर बनकर इस ठगी को अंजाम दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 4 सितंबर को अज्ञात नंबर से रिटायर अधिकारी को एक फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और उनके बैंक खातों तथा क्रेडिट कार्ड के हैदराबाद में आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने का डर दिखाया। शातिरों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 12 घंटे का डिजिटल अरेस्ट वारंट निकाला है। इसके बाद उन्हें वीडियो कॉल के जरिए कई घंटों तक निगरानी में रखा गया और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर किसी से चर्चा ना करने की हिदायत भी दे दी गई। इसके बाद सीबीआई के बड़े अधिकारियों से बात करवाने का नाटक भी रचा गया और कई लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिटायर अधिकारी से बातचीत की। उनको बैंक खातों से जमा तमाम रुपए की जांच का डर दिखाया गया। अब डर के मारे शातिरों ने विभिन्न खातों में 73 लाख रुपए डलवा लिए और इसी तरह ठगी का शिकार हुए रिटायर अधिकारी ने अपनी तमाम जमा पूंजी, यहाँ तक कि एफडी तक को भी तुड़वा दिया। परिवार वालों के नाम पर जमा पैसा भी शातिरों के बताए गए खातों में जमा करवा दिया गया। फिर इन शातिरों ने दावा किया कि 3 दिन तक फंड की जांच करने के बाद रुपए उनको लौटा दिए जाएंगे। एक दिन में कुल 47 लाख रुपए ट्रांसफर करवा कर ठगी की गई। 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक 73 लाख की ठगी को इस तरह से अंजाम दे दिया गया। इसके बाद शातिरों ने जमीन की जांच का भी डर दिखाना शुरू कर दिया। जब रिटायर अधिकारी को शक हुआ तो उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य रेंज मंडी को संपर्क किया। अब मामला दर्ज किया जा चुका है और पुलिस के अनुसार 21 लाख के करीब पैसा बैंक खातों में फ्रीज कर दिया गया है। कोर्ट के माध्यम से ये पैसा शिकायतकर्ता को दिलवाया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि इस तरह के फर्जी कॉल से डरे नहीं, बल्कि किसी भी तरह से ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत साइबर पुलिस को शिकायत दें। देश में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपने साइबर अपराध के कई किस्से भी सुने होंगे, मगर क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक एचएस अधिकारी भी साइबर ठगी का शिकार हो सकता है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में एक रिटायर एचएस अधिकारी से 73 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन जालसाजों ने रिटायर अधिकारी को अपने ही घर में कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। अब आपको बताते हैं कि शातिरों ने कैसे सीबीआई अफसर बनकर इस ठगी को अंजाम दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 4 सितंबर को अज्ञात नंबर से रिटायर अधिकारी को एक फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और उनके बैंक खातों तथा क्रेडिट कार्ड के हैदराबाद में आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने का डर दिखाया। शातिरों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 12 घंटे का डिजिटल अरेस्ट वारंट निकाला है। इसके बाद उन्हें वीडियो कॉल के जरिए कई घंटों तक निगरानी में रखा गया और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर किसी से चर्चा ना करने की हिदायत भी दे दी गई। इसके बाद सीबीआई के बड़े अधिकारियों से बात करवाने का नाटक भी रचा गया और कई लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिटायर अधिकारी से बातचीत की। उनको बैंक खातों से जमा तमाम रुपए की जांच का डर दिखाया गया। अब डर के मारे शातिरों ने विभिन्न खातों में 73 लाख रुपए डलवा लिए और इसी तरह ठगी का शिकार हुए रिटायर अधिकारी ने अपनी तमाम जमा पूंजी, यहाँ तक कि एफडी तक को भी तुड़वा दिया। परिवार वालों के नाम पर जमा पैसा भी शातिरों के बताए गए खातों में जमा करवा दिया गया। फिर इन शातिरों ने दावा किया कि 3 दिन तक फंड की जांच करने के बाद रुपए उनको लौटा दिए जाएंगे। एक दिन में कुल 47 लाख रुपए ट्रांसफर करवा कर ठगी की गई। 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक 73 लाख की ठगी को इस तरह से अंजाम दे दिया गया। इसके बाद शातिरों ने जमीन की जांच का भी डर दिखाना शुरू कर दिया। जब रिटायर अधिकारी को शक हुआ तो उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य रेंज मंडी को संपर्क किया। अब मामला दर्ज किया जा चुका है और पुलिस के अनुसार 21 लाख के करीब पैसा बैंक खातों में फ्रीज कर दिया गया है।
कोर्ट के माध्यम से ये पैसा शिकायतकर्ता को दिलवाया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि इस तरह के फर्जी कॉल से डरे नहीं, बल्कि किसी भी तरह से ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत साइबर पुलिस को शिकायत दें।